वेद में एक मंत्र आया जिसका छोटा सा पद है, उद्यानम ते पुरुषे नावयानम। परमपिता परमेश्वर से मान लीजिए जीवात्मा अपने जीवन का उद्देश्य पूछ रहा है, कौन सा जीवन? जो पशु पक्षी आदि का जीवन है वो तो भोग योनि है, और उस भोग योनि में केवल और केवल भोग भोगने की ही स्वतंत्रता है, और किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं। जो भी कर्मों की गति उन पशु पक्षियों में हमें दृष्टिगोचर होती हैं, वो भी भोग योनि के ही अंतर्गत आती हैं, और वो केवल इतनी हैं कि बस जितनी उन्हें आवश्यकता है, इतनी सामर्थ्य, इतनी बुद्धि, इतना विवेक ईश्वर ने उन्हें दे दिया कि वह अपने जीवन को चला सके, इससे अधिक नहीं है। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, लेकिन जो मनुष्य योनि है, मानव योनि है, उसके विषय में कहा जाता है वो भोग तो भोग ही रही है। आज यदि एक ही समय में एक बच्चा करोड़पति के घर पैदा होता है, एक सामान्य परिवार में पैदा होता है, एक बिल्कुल सड़क पर पैदा होता है, तो ये कोई तानाशाह नहीं बैठा, कोई डिक्टेटर नहीं बैठा जो अपनी मर्जी से कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई हवा में बोल दे कुन हो जा और हो जाता हो ना। जो इस संपूर्ण व्यवस्था को संचालित कर रहा है वो बड़ा न्यायकारी है, और वो अपने न्याय व्यवस्था के अनुसार ही कर्मों का फल दे करके ये व्यवस्था जो हमें अलग अलग दिखाई दे रही है ये वो बना रहा है। लेकिन इस व्यवस्था के बनने में उसकी हिस्सेदारी, उस परमात्मा की भागीदारी तो इतनी है कि जिसके जैसे कर्म हैं उसको वैसा ही, जोर से बोलो, ऐसा तो नहीं आप बैंक में चले जाओ और आपने खाते में जमा करवाए 5 लाख और पड़ोसी के खाते में 15 लाख, तो कैशियर आपको पड़ोसी के 10 लाख और निकाल के दे दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपके खाते में यदि 5 लाख है तो कितने निकाल सकते हो, बोलो? 5, क्योंकि आपका जमा पूंजी वही है। तो वो परमात्मा भी केवल कर्मों का फल दे रहा है, और जिसके जैसे कर्म है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, उसके आधार पर वैसी व्यवस्थाएं देकर के परमात्मा भेज रहा है। आज अगर कोई बिना पुरुषार्थ के करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और कोई कह दे जी से तो पढ़ी पढ़ाई मिल गई, नहीं, वो पीछे वो मेहनत करके आया है। अगर कोई सामान्य परिवार में पैदा हो रहा है तो वो वैसा ही पुरुषार्थ करके आया है, और अगर कोई बिल्कुल दरिद्रता में पैदा हो रहा है तो वो वैसा ही पुरुषार्थ करके आया है। तो परमात्मा ने तो जिसका जो था वो उसको दे दिया, पर इसके साथ साथ एक विशेषता और प्रदान की मानव को, और वो क्या? कर्म करने की स्वतंत्रता। और ये कर्म करने की भी स्वतंत्रता कुछ इस प्रकार की है कि यदि कर्मों के आधार पर चाहे तो लाख पतियों को खाक पति भी बनते देखा, और इसी कर्म के आधार पर पता लगा रंक को, जोर से बोलो, राजा बनते हुए भी देखा। इसी कर्म के आधार पर अगर चाहे तो मनुष्य इतना निकृष्ट जीवन भी बना सकता है कि पशु पक्षियों के साथ भी अगर उसका कंपैरिजन किया जाए, उसकी तुलना की जाए, तो लोग ये कह देते तुझसे तो पशु ही अच्छे। और यदि इसी कर्म को एक सही दिशा में लेकर के और उन्नति की ओर चला जाए, उद्बुद्ध स्वाग्ने ऊपर की ओर व्यक्ति उठाना शुरू करे, और वो दिन रात एक संकल्प करे जिसको आज की भाषा में कहते हैं विजुअलाइजेशन, मुझे ये बनना है, मेरा ये लक्ष्य है और मुझे इस लक्ष्य पर चलना है, और जिसके पास में कोई लक्ष्य है, जिसके पास कोई मोटिव है, जिसके पास कोई कारण है आगे बढ़ने के लिए, तो फिर राह में चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए वो निरंतर, बोलो, चलता चला जाएगा कि नहीं चलता चला जाएगा। मैं आचार्य बालकृष्ण जी की जीवनी पढ़ रही थी, थोड़ी देर के लिए फोन नीचे रख दीजिए ये, और मैं जब उनकी जीवनी पढ़ रही थी तो आज जब हम समाज में जाते हैं, वर्तमान में वो हैं, तो सब तरह के लोग हैं बातें करने वाले,
सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, और मैं उस विचारधारा को ही पुष्ट करती रहूं ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब मैंने उनकी जीवनी को पढ़ना शुरू किया तो पता लगा, एक 12 साल का बच्चा जो नेपाल में एक बड़े गरीब परिवार में पैदा हुआ, और पिता जो है काम धंधे के लिए कुछ समय के लिए हरिद्वार आए होंगे, हरिद्वार आकर के झुग्गी झोपड़ी में रहा होगा उनका परिवार, पिताजी ने मजदूरी आदि की होगी, पर फिर किसी कारण से वापस नेपाल चले गए। अब पता लगा कि जहां से पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है तो उनका मन उस कॉन्वेंट की पढ़ाई में नहीं है, और कोई उन्हीं के पड़ोसी का बालक था जो गुरुकुल में पढ़ता था, उसके माध्यम से पता लगा कि ये भी एक शिक्षा होती है। तो संकल्प बनाया, मैं भी गुरुकुल में पढ़ूंगा। घर वालों से ये बात कही तो घर वालों ने कहा हमारी सामर्थ्य नहीं है फीस देने की। तो उसी लड़के के साथ पता लगा कि झोले में अपने कपड़े डाले और कपड़े डाल करके नेपाल से निकल गया। आयु कितनी है? 12 वर्ष की। अब जैसे तैसे करके उसके पैसों से कुछ उधार लेकर के भारत तो पहुंच गया, पर भारत में आकर के बनारस में उसने कहा मैं तो जा रहा हूं तू अपना देख। अब 12 साल का बच्चा कितना हो सकता है? अपना देखने के लिए पास में पैसे नहीं है, अपना देखने के लिए किसी से कोई जान पहचान नहीं है, किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, आयु भी केवल 12 वर्ष की, भाषा भी बिल्कुल विपरीत। तो ऐसी परिसम परिस्थितियों में पता लगा कि जहां लोग सोच आदि करके जा रहे हैं वहां पर भी सोना पड़ा, भूखा भी रहना पड़ा, भीख भी मांगनी पड़ी, कोड़ियों के बीच में भी रहना पड़ा, और वहाँ से वो व्यवस्था चलती और चलते 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 पता नहीं वो कितने कितने लोगों के सानिध्य में गुजर करके और आज वहाँ तक पहुँची हैं कि एक पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है। अब हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा निंदा का विषय इसलिए लगता होगा क्योंकि भारत में बाबा जी अगर अमीर बन जाए तो बर्दाश्त नहीं होते, वे भिक्षा मांगने वाले ही ठीक ठाक लगते हैं। वो इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि गुरुकुल की विद्या से पढ़ करके कोई भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है जैसे आज आप बैठे हो ना, चित्र देखना कुछ ऐसे ही चित्र हैं बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ईश्वर ने दरिद्रता में पैदा कर दिया तो उसको अभिशाप मिल गया, वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मन में चाह है, अगर मन में संकल्प है और अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे वहां पहुंचना है तो निश्चित निश्चित वो लक्ष्य पूर्ण होगा। फिर उसके बीच में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं आए वो उन बाधाओं से पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो।